नमस्ते दोस्तों, आज हम फाइनल अकाउंट इन टैली .eip के बारे में जानेंगे। असल में फाइनल अकाउंट्स बेसिक अकाउंटिंग का एक हिस्सा है, जिसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करनी या एडजस्टमेंट करते हैं, तथा हमारे जितने भी अकाउंट हैं हमारे फाइनेंशियल पीरियड के अंत में हमें क्लोज करनी होती हैं। उसके बाद हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट्स या एडजस्टिंग एंट्रीज। यह एडजस्टिंग एंट्रीज जर्नल वाउचर में होंगी, F7 में। तो मान लीजिए कि हमने कुछ सैलरी अभी पेड नहीं की, आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा टैली में? तो यह एक एक्सपेंसेस है। मान लो सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, बना नहीं हुआ, इसको क्रेडिट करते हैं सैलरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नो अप्लाई। मान लो 5,000 रुपये अभी हमने एम्प्लाइज को देने हैं, यहाँ क्रेडिट कर दीजिए और यहाँ एक और क्रेडिट कीजिए, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। यह है हमारी करंट लाइबिलिटी है। पांच हजार, तो इसको आपने पास कर देना है।